हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूं गीत नया गाता गीत नया। मित्रों, आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है और इस अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन, ऑनलाइन आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तो आज के अवसर पे हम अटल जी को याद करते हुए जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें दिखाई देता है कि अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर में हुआ था और आपका निधन 16 अगस्त 2018 को एम्स नई दिल्ली में हो गया। आज पुण्यतिथि के अवसर पर डीएवी परिवार की ओर से हम अपने श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय वाजपेयी कवि हृदय तो थे ही, पत्रकार, राजनेता और प्रखर वक्ता भी थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक शख्सियत, लगभग 4 दशकों तक भारतीय संसद के सदस्य रहे। आजीवन अविवाहित रहने के संकल्प के चलते आपको भीष्म पितामह भी कहा जाता है। वाजपेयी जी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी जाने माने कवि थे। अटल जी का प्रमुख काव्य संकलन है मेरी 51 कविताएं। अजात शत्रु अटल जी पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर देश के गौरव को बढ़ाया था। प्राचार्या सुश्री रेखा कुमारी की प्रेरणा से पुण्यतिथि पर पहली बार जीवंत कवि सम्मेलन का आयोजन पिछले वर्ष हुआ था। इस वर्ष कोविड-19 के चलते ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है जिसमें हमारे संगीत शिक्षक श्री ओसी दास का सहयोग जो है वो काबिले तारीफ है। दास जी साधुवाद के पात्र हैं। तो सबसे पहले कनीय वर्ग के बच्चों को बुलाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हिंदी शिक्षक श्री देवानंद तिवारी जी को। आइए सर। नमस्ते। आज भारतीय जनमानस के लोकप्रिय नेता, कवि, पत्रकार, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। वाजपेयी जी अपनी पार्टी में जितने स्वीकार्य थे उतने ही पार्टी के बाहर भी थे। आज के दौर में उनकी पंक्तियां बहुत याद आती है, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रुखाई कभी मत देना। तो आइए अब कवि सम्मेलन की शुरुआत वाजपेयी जी की ही कविता कदम मिलाकर चलना होगा, हर्षिता कुमारी चौथी ब की छात्रा द्वारा सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम हर्षिता कुमारी है, मैं कक्षा चौथी ब की छात्रा हूँ। मुझे इस महामारी में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रसिद्ध कविता कदम मिलाकर चलना होगा याद आ रही है। मैं आज आप लोगों के समक्ष यह कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सर पर बरस यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हर शिरदन में, तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कलकहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सच्चत आकर्ष
अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, सम्मुख फैला अगर अध्यापत, प्रगति चिरंतन कैसा आइडियम, सुस्मित हर्षित कैसे सुलंत्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देखकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को सच सच आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। अब आइए सुनते हैं चौथी ब की छात्रा प्रतीक्षा भारती द्वारा स्वरचित कविता यही है मेरे लिए लॉकडाउन का मतलब। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा भारती है, मैं कक्षा चौथी ब की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सूरजमल जैन दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल चाईबासा है। आज मैं आपके समक्ष इस कवि सम्मेलन में एक स्वरचित लॉकडाउन से संबंधित कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है यही है मेरे लिए लॉकडाउन का मतलब। कोरोना वायरस से बचाव, तभी हम कर पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग और सुझाव, सरकार का सख्ती से पालन करेंगे जब, यही है मेरे लिए लॉकडाउन का मतलब। यही है मेरे लिए लॉकडाउन का मतलब। घर में रहे सुरक्षित रहे, बेवजह बाहर निकलना नहीं, चाहे कोई कितना भी कुछ कहे, ऐसा जीवन फिर मिलेगा और कब, यही है मेरे लिए लॉकडाउन का मतलब। यही है मेरे लिए लॉकडाउन का मतलब। अगर पड़े ज्यादा जरूरी काम, बाहर निकलने से पहले हम मास्क लगाना न भूलेंगे सुबह शाम, कोरोना को हरा पाएंगे जरूर तब, यही है मेरे लिए लॉकडाउन का मतलब। यही है मेरे लिए लॉकडाउन का मतलब। पढ़ाई घर में ही रहकर, ऑनलाइन ऑडियो वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल पर शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दिया जा रहा है अब, यही है मेरे लिए लॉकडाउन का मतलब। यही है मेरे लिए लॉकडाउन का मतलब। साबुन से हाथ धोना बार बार, कंजूसी मत करना मेरे यार, नहीं थूकना सार्वजनिक स्थानों पर, आइए मिलकर प्रतिज्ञा करें हम सब, यही है मेरे लिए लॉकडाउन का मतलब। यही है मेरे लिए लॉकडाउन का मतलब। धन्यवाद। तीसरी 100 के छात्र वेदांश सतपति द्वारा वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। नमस्ते, मैं वेदांश सतपति कक्षा तृतीय आप लोगों के समक्ष द्वारका प्रसाद माहेश्वरी रचित वीर रस की प्रख्यात कविता वीर तुम बढ़े चलो का सत्सर पाठ करने जा रहा हूँ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, एक ध्वज लिए हुए, एक जड़ किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। धन्यवाद। अज्ञात कवि द्वारा रचित सैनिक कविता परी रॉय तीसरी अ की छात्रा द्वारा। नमस्ते, मेरा नाम परी रॉय है, मैं कक्षा तीसरी की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ, आशा करती हूँ मेरी कविता आप सबों को पसंद आएगी। सैनिक,
काम होता है उनकी वजह से सुरक्षित ये सारी आवाम है। दिल से मेरा सलाम है, दिल से मेरा सलाम है। काम नहीं आसान है ये, दिल पत्थर करना पड़ता है। देश या फिर घर बार में से किसी एक को चुनना पड़ता है, तब जाकर मिलता है कहीं इस देश को आराम है। दिल से मेरा सलाम है, दिल से मेरा सलाम है। गर्मी का हो मौसम या फिर पट्टी का कट सी सर्दी, सेवा में देश की खड़े रहे वो। जब तक बदन में वर्दी है, डरे कभी ना वैरी से, चाहे जो हो अंजाम। दिल से मेरा सलाम है, दिल से मेरा सलाम है। देश सेवा ही धर्म है, उनका हथियार ही बस उपदेश है। भारत माता की जय हो, सदा करते यही उपदेश है। अपने पैरों पर हम खड़े हैं, नहीं किसी के गुलाम है। दिल से मेरा सलाम है, दिल से मेरा सलाम है। अगला जन्म में जब भी पाऊं इसी धारा का मैं हो जाऊं। दिल में भारत माता है, गीत उसी के सदा मैं गाऊं। हर सैनिक के दिल में रहता यही अरमान है। दिल से मेरा सलाम है, दिल से मेरा सलाम है। सरहद पर खड़े रखवालों को, इस देश के पहरेदारों को, दिल से मेरा सलाम है, दिल से मेरा सलाम है। दिल से मेरा सलाम है, दिल से मेरा सलाम है। जय हिंद, धन्यवाद। अब पांचवी से सातवीं समूह के छात्रों द्वारा स्नेहा सिंह, सातवीं ब की छात्रा, एक बचपन का जमाना था, बच्चन द्वारा रचित कविता। आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है एक बचपन का जमाना था, और इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। एक बचपन का जमाना, खबर न कुछ सुबह की थी न शाम का ठिकाना था। एक बचपन का जमाना था, थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था। एक बचपन का जमाना था, माँ की कहानी थी परियों का फसाना था। माँ की कहानी थी परियों का फसाना था। एक बचपन का जमाना था, बारिश में कागज की नाव थी हर मौसम सुहाना था। एक बचपन का जमाना था, रोने की वजह न थी न हंसने का बहाना। एक बचपन का जमाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था। वो बचपन का जमाना। धन्यवाद। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता नर हो न निराश करो मन को, सृष्टि सिंह द्वारा। आदरणीय शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं आप सभी के समक्ष राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, संभलो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। संभलो कि सुयोग न जाए चला, संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। निज गौरव का नित ध्यान रहे, निज गौरव का नित ध्यान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मनोत्तर गुंजित गान रहे, मनोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो जिस साधन को, कुछ हो न तजो जिस साधन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। प्रभु ने तुमको कर दान किए, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न हो, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं।
जन तुम भी हो जगदीश्वर के, जन तुम भी हो जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। धन्यवाद। अगली प्रस्तुति है हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, रौनिता चौधरी द्वारा। नमस्ते, मेरा नाम रोहिता चौधरी है, मैं कक्षा छठी स की छात्रा हूँ। इस महामारी में मुझे एक सुंदर सी कविता हरिवंश राय बच्चन जी की याद आ रही है, जिसके एक एक शब्द को बार बार पढ़ने को जी चाहता है। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो कई अपने पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना, ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, एक मुद्दत से मैंने न तो मोहब्बत बदली और ना ही दोस्त बदले हैं, एक मुद्दत से ना तो मैंने मोहब्बत बदली और ना ही दोस्त बदले हैं। धन्यवाद। वाजपेयी जी की स्मृति में उनके द्वारा रचित कविता है शीश नहीं झुकेगा, आलोलिका द्विवेदी द्वारा। नमस्ते, मेरा नाम आलोलिका द्विवेदी है, आज मैं आपके समक्ष अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है शीश नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, प्राणों से विप्रयत यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना है वह अपने ही घर में सदा खरा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी न चलाओ, ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, स्वतंत्रता अनमोल न इसका मोल लगाओ। अरे तुम क्या जानो स्वतंत्रता क्या होती है, अरे तुम क्या जानो स्वतंत्रता क्या होती है, मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, माँ को खंडित करते तुम्हें लाज नहीं आई, धमकी जेहाद के नारों से हथियारों से, धमकी जेहाद के नारों से हथियारों से, कश्मीर हथियार लोगे यह मत समझो, हमलों से अत्याचारों से संहारों से, भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा, एक नहीं दो नहीं कर बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। जय हिंद। देशभक्ति पर आधारित कविता झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित प्रस्तुत कर रही हैं आर्णवी प्रधान पांचवी अ की छात्रा।
नमस्ते, मेरा नाम आर्णवी प्रधान है। मैं कक्षा 5वीं अ की छात्रा आज आपके समक्ष श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सिंहासन उठे राजवंशियों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आए फिर से नई जवानी थी, घूमी भी आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, धूप फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी संसदता वन में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, पक्षी ढाल कृपा कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथा उसको याद सुभानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बाद, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवार, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी राजधानी भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुमन बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। राष्ट्रभाषा हिंदी पर प्रकाश डालते हुए प्रस्तुति है सिल्की सनेही द्वारा, कक्षा 6 की छात्रा। नमस्ते, मेरा नाम सिल्की सनेही है और मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा। यह कविता मैंने स्वयं लिखी है। यह कविता मैंने हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी पर लिखी है और इस कविता के माध्यम से मैं हमारे देश का प्रेम हमारी राष्ट्रभाषा के प्रति दर्शाना चाहती हूँ। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। हिंदी भाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, ऋषि मुनियों की वाणी इसमें सबको सिखाती, मिलकर रहना आसान बहुत है इसको पढ़ना, तरह तरह की बात बताती, शुद्ध उच्चारण हमें सिखाती, सबके मन को भाए हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, कठिन नहीं है इसको पढ़ना, भारतीयों की जान है हिंदी, देश का अभिमान है हिंदी, भाव इसमें है जन जन का, सरलता की पहचान कराती, सब में मेल जोल बढ़ाती, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बच्चों, और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय सुश्री रेखा कुमारी विद्यालय की प्राचार्या को कि इस अवसर पे आप अपने आशीर्वचन हमारे दर्शकों को और सुनने वालों को दें। नमस्कार। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज विद्यालय के छात्रों ने कवि सम्मेलन का आयोजन किया जो कि ऑनलाइन हुआ है। चूंकि कोरोना का एक बहुत बड़ा महामारी इस देश में फैला हुआ है और स्कूल सारे बंद हैं, मैं सभी बच्चों को बधाई देती हूँ कि इस महामारी में भी वे अपने निरंतर कार्य में लगे हुए हैं और सारे अध्यापकगण भी उनको बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन दे रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर मैं सारे शिक्षक और जो भी बच्चे इसमें भाग लिए हैं उन सभी को बधाई देती हूँ, क्योंकि उनके लगन से ही यह कार्यक्रम संभव हो सका। और मैं कुछ पंक्तियाँ इस तरह से जोड़ती हूँ। समय जगाता है हम सबको,
झटपट जग जाना ही होगा, देख विश्व सिद्धांत कार्य में निर्भय लग जाना ही होगा, दृढ़ करके मस्तिष्क मनस्वी बनकर वीर कहाना होगा, पूर्ण ज्ञान का स्वेश चरण बन जीवन पुष्प चढ़ाना होगा, यह स्वार्थी संसार एक दिन बने हमी से जब परमार्थी, तब ही हम कहा सकते हैं सच्चे भारतीय विद्यार्थी। धन्यवाद।